दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है बीमी विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, और आप लोग से भी हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भी समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो आप ज़रूर हमको लाइक कर दीजिएगा या कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तभी भी आप हमसे प्रश्न भी पूछिए कमेंट करके, हम उसका जवाब देने का 100% प्रयास करेंगे। ओके, आइए हम शुरू करते हैं बीमी विश्लेषण। बीमी विश्लेषण का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, बीमा, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन। देखिए बीमा क्या होता है सबसे पहले जानना होगा। आपके सामने हम कई सारे, मान ली हमने एक यहाँ पे एक लाइन खींच दिया ए बी, फिर हमने क्या किया यहाँ पर एक सरफेस बना दिया, एक वर्ग बना दिया एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ठीक है। और इसके बाद ये फिगर एक है, तीन हो गया। इसके बाद से हमें दूसरा फिगर बना है ये आपका हो गया, ये क्या है घन है, यह क्या है ये आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल है, एरिया है, ये सरफेस पृष्ठ है इस तरह से, और ये क्या है ये लेंथ है, इसको लंबाई बोलते हैं, यह लेंथ है, यह एरिया है, यह सरफेस है, ये आपका घन है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक है। हम कहेंगे कि ये लंबाई जो लिखा हुआ है इस लेंथ, इसका लेंथ कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि मान लीजिए इसका लेंथ है 5 मीटर, तो अब क्या लिखेंगे 5 मीटर। फिर अगर हम बात करेंगे कि इसका सरफेस एरिया कितना, तब क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो अब क्या कहेंगे सर 2 मीटर इंटू 3 मीटर इक्वल टू कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर, मतलब जो ये सरफेस है इसका एरिया कितना है 6 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद से इधर आप देखेंगे कि ये क्या है, ये घन है, और घन का सरफेस एरिया कितना होता है, मान लीजिए कि ये आपका 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये कितना है 2 मीटर है, तो क्या हो जाएगा घन का, अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि घन का आयतन, आयतन क्या मिलेगा आपको 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 4 मीटर, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 24 मीटर क्यूब। क्या मिलेगा आपको घन का आयतन मिलेगा 3 मीटर 2 मीटर इंटू 4, तो क्या मिलेगा 24 मीटर क्यूब। अगर बात किया जाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या होता है मीटर, और मीटर के ऊपर कितना घात है, तो एक घात लगा हुआ है, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन एक है, मतलब इसकी जो बीमा है वो क्या है, इसकी बीमा है एक। और देखिए कैसे पता किए, क्योंकि इसके मात्रक के ऊपर क्या है एक पावर है, जो लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर एक क्या है प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हैं इसकी बीमा क्या है एक है। इसके बाद से यहाँ पर एरिया क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या है ये, इसमें इसके पास क्या है, इसके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, आप कह सकते हैं चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, मतलब यहाँ पर आप दो प्रकार से चल सकते हैं, आप इस दिशा में भी जा सकते हैं और इस दिशा में जा सकते हैं, दो दिशा है, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ दो हुआ। कैसे पता कर सकते हैं, इसके मात्रक के ऊपर क्या है दो घात है, इसका डायमेंशन क्या हो गया,
इसका डायमेंशन भी क्या हो गया, दो हो गया। इसके पास से क्या है, आयतन है। आयतन के पास कितने दिशा है, इसके पास तीन दिशा है। इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीन दिशा है। और आप देखेंगे तो इसके मात्रक के ऊपर भी क्या है, तीन घात लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इसका क्या हुआ, इसका डायमेंशन क्या हुआ, इसका डायमेंशन हुआ, इसका डायमेंशन क्या हुआ, थ्री। ठीक है, तो आप डायमेंशन की पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन किसका कितना डायमेंशन है, वह उसके मात्रक के ऊपर घातों के रूप में लिखी गई होती है। किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशन होता है वह उसके मात्रक के ऊपर घात मतलब पावर के रूप में लिखी गई होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके पावर के ऊपर, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पावर लिखा हुआ है, इसके पावर के ऊपर इस उस भौतिक राशि के मात्रक के घात के रूप में लिखी गई है। तो आप किसी भी राशि का आप बीमा कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि के मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घात ही उस राशि का बीमा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे आप, किसी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों को ही उस राशि का बीमा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घातों की संख्या ही उस राशि की बीमा अथवा डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन को क्या है कि जब हम किसी भी भौतिक राशि जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग कुछ अल्फाबेट का प्रयोग करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस समूह में ही लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कुछ अल्फाबेट लिख करके हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए वो अल्फाबेट कौन कौन से हैं अभी हम बता रहे हैं आपको, अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, ये इसको आपको ध्यान देना होगा कि कौन कौन से अल्फाबेट हैं। तो आप पाएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, अब बीमा हो गया, बीमा क्या है, मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घात, मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाने वाली घात को ही हम क्या बोलते हैं, बीमा कहते हैं। अब बारी आती है बीमीय सूत्र का, इसका बारी आता है बीमी सूत्र का, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, बीमी सूत्र मीन्स डायमेंशनल फार्मूला। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि बीमी सूत्र का मतलब ये हो गया कि जिस सूत्र के द्वारा भौतिक राशियों के बीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीमीय सूत्र कहेंगे। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, आप कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के बीमा को प्रदर्शित करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसी सूत्र को हम लोग बीमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, हम लोग जिस ठीक है हम लोग क्या करेंगे कि जिस सूत्र के द्वारा भौतिक राशियों के बीमाओं को प्रदर्शित करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बीमी सूत्र बोलते हैं। अब देखिए जैसे लंबाई का बीमी सूत्र क्या होता है, लंबाई का बीमी सूत्र क्या होता है, इसको समझना होगा कि लंबाई का बीमी सूत्र क्या होता है, लंबाई का बीमी सूत्र क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा यहाँ पर, इसको दिखाते हैं, चूंकि लंबाई मतलब क्या होता है, लेंथ, एल ई एन टी एच, लेंथ। इसका बी में सूत्र होता है कैपिटल एल, इसको हम क्या करते हैं, इसको बड़े से बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि लंबाई का बी में सूत्र क्या हो गया, कैपिटल एल, इसमें बिग ब्रैकेट में। इसके बाद से आपको मिलेगा मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या मिलेगा आपको, द्रव्यमान का बीमी सूत्र आपको मिलेगा यहां पर, आप देखेंगे कि होता है कैपिटल एम, ठीक है, एम से मास भी होता है। टाइम, टाइम का मतलब क्या हो गया, समय, टाइम, समय का बीमी सूत्र क्या होता है, समय का बीमी सूत्र क्या होता है, ये होता है कैपिटल टी, टी से टाइम भी होता है। दो और राशियां हैं, एक राशि क्या है, विद्युत धारा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमी सूत्र क्या होगा, विद्युत धारा का बीमी सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि लेंथ था तो एल हो गया, मास था तो एम हो गया, टाइम था तो टी हो गया। विद्युत धारा का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है कैपिटल ए। ए क्या है, आप सोच समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इसका नोटेशन जो है एम्पियर से लिया गया, ठीक है, हो सकता है कि इसका नोटेशन किससे लिया गया हो, एम्पियर से लिया गया हो, इसलिए इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद से बात आती है कि ताप, इसको हम बोलते क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं ताप का बीमी सूत्र, इसको हम दिखाते हैं, किस नहीं दिखाएंगे, किस दिखाएंगे हम लोग, थीटा से। ताप का जो बीमी सूत्र होता है किसे दिखाते हैं हम लोग, थीटा से। तो लंबाई का एल से, द्रव्यमान का एम से, टाइम का टी से, इलेक्ट्रिक करंट का ए से, और टेम्परेचर का थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर का क्या है, बीमी सूत्र क्या क्या होता है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ राशियों का बीमी सूत्र निकालेंगे, इसको आप लोगों को याद रखना होगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको याद रखना होगा। ठीक है, हम लोग कुछ क्वांटिटी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम आपसे क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन दे देंगे हम, प्रश्न है निम्नलिखित, निम्नलिखित भौतिक, भौतिक राशियों की बीमीय सूत्र लिखिए, लिखिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने कुछ क्वेश्चन दे दिया, ए बी सी डी, और भी बहुत सारा आप लिख सकते हैं। हमने दे दिया मान लीजिए क्षेत्रफल, एरिया, एरिया का बीमी सूत्र क्या होगा आप निकालिए। फिर इसके बाद से बात करेंगे आयतन, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। इसके बाद से हम बात करेंगे सी, सी को मान लीजिए हमने कह दिया कि आप घनत्व का निकालिए, बोलते हैं डेंसिटी। चाल का निकालिए, चाल का निकालिए, इसको हम बोलते क्या है, स्पीड, स्पीड। इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि वेग का निकालिए, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी।
इसके बाद भी और भी मान लीजिए आपके पास है एफ, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि वेलोसिटी हो गया। इसके पास मान लीजिए आप त्वरण का निकालिए, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जी बल का निकालिए, इसको हम बोलते क्या है फोर्स, ठीक है। एच दाब का निकालिए, इसको हम क्या बोलते हैं प्रेशर, इसको हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, दाब, ये सभी क्या है, ये सभी जो है इन सबका जो है हमें धीमा निकालना है, धीमी सूत्र निकालना है। तो हम लोग बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एरिया खाली कर ले रहे हैं, यहीं पे हम सबका क्या करेंगे बारी बारी से निकालेंगे और आप नोट करते रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्षेत्रफल का। नंबर वन है क्षेत्रफल, देखिए किसी भी राशि का बीमी सूत्र निकालने के लिए उसका बीमा हम उसका सूत्र हमको याद होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पे कि लंबाई गुणे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की, अब लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, विस्थापन हो, तो सबका बीमा एक ही होता है, वो होता है कैपिटल एल। तो लंबाई का बीमा तो आप जानते ही हैं क्या होता है, कैपिटल एल। चौड़ाई का भी क्या होगा, कैपिटल एल। आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्षेत्रफल का बीमी सूत्र, क्षेत्रफल की बीमी सूत्र क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद से आपको मिलेगा बी नंबर, बी पे क्या है, आयतन दिया हुआ है। तो आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आयतन का फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपको पता है कि लंबाई का बीमा क्या होता है, लंबाई का बीमा ये तो एल है, ये तो पता ही है, चौड़ाई का भी एल ही होगा और ऊंचाई का भी क्या होगा, एल होगा। मतलब जिस जिसको हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिस जिसको मीटर में व्यक्त किया जाता है, उन सभी राशियों की बीमा कैपिटल एल होती है। वो कोई भी राशि हो जिसको अगर हम लोग उसकी मात्रक अगर मीटर है, केवल मीटर है, तो उसकी बीमा क्या होगी, कैपिटल एल होगी। तो आपको मिला यहाँ पे कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल। इसका मतलब ये हो गया कि एल के पावर थ्री, ठीक है। तो ये निकल गया आपका किसका, आयतन का। चलिए आगे हम इधर देखते हैं, कुछ हम मिटा रहे हैं इधर से। इसके बाद से हम निकालेंगे किसका, आयतन का हो गया, इसके बाद निकालेंगे किसका, घनत्व का। ये सी नंबर पे था घनत्व। तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आप यहाँ पढ़ेंगे क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का अभी क्या होता है, कैपिटल एम होता है, और आयतन का क्या होता है, एल के पावर क्यू होता है। तो क्या हो गया, ये मिला आपको एम एल पे माइनस थ्री, क्योंकि ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया, एल के पावर माइनस थ्री हो गया। तो आयतन की बीमा क्या हो गई, घनत्व की बीमा क्या हो गई, एम एल पे माइनस थ्री। इसके बाद से क्या था, इसके बाद आपने देखा था कि चाल लिखा हुआ था, सी पे क्या लिखा है, चाल। तो चाल का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का बीमा क्या होता है, दूरी का बीमा होता है एल, और समय का बीमा क्या होता है, टी। ये क्या हो गया, ए टी ऊपर जाएगा, इसकी पावर एक है, तो क्या मिलेगा, एल टी पे माइनस वन। तो चाल की बीमा क्या मिली, एल टी पर माइनस वन, ठीक है। इसके बाद से क्या है, बेग, बेग इक्वल टू क्या होता है, बेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन की बीमा क्या होती है, आप पाएंगे कैपिटल एल, समय की बीमा कैपिटल टी। तो क्या मिला, वेग की बीमा एल टी पर माइनस वन।
तो चाल और वेग दोनों की बीमा समान होती है, इसकी बीमा क्या मिली एलटी पे पावर माइनस वन। फिर क्या बचा आपको, मिला अब यहाँ पे क्या त्वरण, त्वरण की बीमा क्या होती है इसको निकालेंगे। त्वरण की बीमा क्या होती है इसको देखिए, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक है, तो वेग का फार्मूला क्या होता है, अभी आपने देखा कि वेग का फार्मूला होता है एल टी पर माइनस वन, और समय का बीमा हो गया टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा एल टी पर पावर माइनस वन, यहाँ पर मिला टी के पावर माइनस वन, दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग एल टी के पावर माइनस टू। ठीक है, फिर क्या मिला आपको बल, बल की बीमा क्या होगी, ए वाला लगा रहे हैं, ए वाला देखो, ए वाला बल, बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण, इसको लिख सकते हैं मास इनटू, अच्छा इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, मास की, मास का क्या होता है आप पाएंगे कि मास का बीमा क्या होती है, मास की बीमा होती है एम, और त्वरण का बीमा एल टी के पावर माइनस टू। ये क्या मिलेगा एम एल टी के पावर माइनस टू, ए क्या हो गया, ए आपके बल की बीमा हो गई। ठीक है, ए बल की बीमा हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या लिखे, बल की बीमा द्रव्यमान इनटू त्वरण हो गया, इसके बाद से क्या मिलेगा दाब, क्योंकि तो दाब बचा हुआ है, दाब की बीमा क्या होती है इसको हम लिखेंगे, दाब की बीमा क्या मिली, दाब की बीमा होती है, दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का मिलेगा आपको एम एल टी के पावर माइनस टू, क्षेत्रफल का मिलेगा आपको एल स्क्वायर, यहाँ आपको मिलेगा एम एल टी के पावर माइनस टू, और इसका मिलेगा आपको एल के पावर माइनस टू, ऊपर जाएगा तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस वन है यहाँ पे माइनस टू है, घटेगा तो क्या मिलेगा एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, ये दाब का हो गया। इस तरह से जो है अगर आपको फार्मूला पता है किसी भी क्वांटिटीज का, अगर फार्मूला पता है तो आप उस फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप उस राशि का बीमा, बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। आइए हम कुछ और राशियों का बीमी सूत्र निकालते हैं। ठीक है, आइए हम लोग निकालते किससे हैं, अभी और भी बहुत सारी राशियां बची हुई हैं जिसका हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है कार्य का, हमें निकालना है अब कार्य का ऊर्जा क्या, कार्य, अब हम कुछ लिखेंगे यहां पर कि बीमा, ये अब तक हो गया था जी में क्या है कार्य, एच पे शक्ति, इसके बाद सबको मिलेगा संवेग, इसके बाद से आवेग, आवेग और भी आप निकालिए, आप निकालिए और विद्युत धारा, ऊर्जा का निकालिए, एच का होता ऊर्जा, ऊर्जा जी एच आई, ऊर्जा हो गया, आप निकालिए यहाँ पे विद्युत धारा की बीमा क्या होती है। इस तरह से आप और भी बहुत सी क्वांटिटी है जिसका आप नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। ठीक है, कार्य का क्या मिलेगा आपको, आप मिलेगा कार्य जिसको हम बोलते क्या है वर्क, वर्क का बीमी सूत्र क्या होता है, वर्क का बीमी सूत्र क्या होगा इसको हमें जानना होगा कि वर्क का बीमी सूत्र क्या होता है, वर्क का बीमी सूत्र क्या होता है इसको हम लोग निकालेंगे। वर्क का फार्मूला आप जानते ही हैं कि वर्क का फार्मूला क्या होता है बल गुणे विस्थापन। तो आप
बल गुणे विस्थापन जो है आप निकालेंगे तो